जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है अजय नामक आरोपी ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पीड़िता के रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के वजह से 3 मई तक के लिए दूसरे चरण का लॉकडाउन है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार लोगों को अपने अपने घरों में रहने और वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर रही है। बावजूद कुछ आपराधिक किस्म के लोग अपनी आपराधिक छवि से समाज और मानवता को शर्मसार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि इस संकट के घड़ी में भी मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला चांपा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। चांपा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग को उसके ही पड़ोस में रहने वाले अजय खुटे नामक आरोपी ने बहला फुसला कर उसके साथ कल दुष्कर्म किया था। पीड़ित ने अपने साथ हुई घटना अपने परिवारों को बताया, जिसके बाद चांपा थाना पहुंचकर पीड़िता के परिजनों ने आरोपी अजय खुटे के खिलाफ अपराध दर्ज कराया था। नाबालिग पीड़िता के शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अजय खुटे के खिलाफ धारा 376 और पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी अजय खुटे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना चापा अंतर्गत नाबालिग पीड़िता ने थाना आकर सूचना दिया कि उसे थाना क्षेत्र के रहने वाले अजय खुटे ने बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रकरण में 376 भादवी और 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी के संबंध में पता साझी दो मुखबिर लगाए गए और थाने की टीम भी आरोपी की पता साझी की जा रही थी। इसी बीच आरोपी अजय खुटे को भी रक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने उक्त घटना को करना स्वीकार किया। इस पर से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN24। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए